चलिए, मार्केट के एक्सपर्ट हैं हमारे साथ, किरण जाधव डॉट कॉम से किरण जाधव साहब हमारे साथ मौजूद भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया अपना समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। पहले तो सर, मार्केट्स पे अपनी राय दीजिए, आपका क्या अनुमान है सर? ये जो ब्रोकर्स पोल आशीष बता रहे थे, क्या आप सहमत हैं तेजी और आगे बढ़ेगी 2 घंटे में, और कैसी चाल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए संदीप जी, मार्केट जो अभी एक अच्छा बाउंस बैक कल दोपहर से देखने को मिला, उसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड रैली देखने को मिली, और थोड़ी में यानी करीबन 1.5 घंटे से हम एक दायरे में ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। अगर देखा जाए, अगर डेरिवेटिव डेटा देखा जाए तो 11,400 कटने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, उधर काफी कॉल राइटर्स है तो वो लेवल टूटने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, पर एक्सपायरी में बहुत सारे शॉर्ट पोजिशन है, ये भी सही बात है। कल जिस तरीके से हमने रैली देखी है तो शॉर्ट्स ट्रैप हो चुके हैं। अगर हम पहले तो मेरा मानना है कि 11,350 के करीब एक्सपायरी होनी चाहिए, पर अगर 11,400 आखिरी के 1 घंटे में टूट जाए तो उधर से और 50 पॉइंट जोड़ने में कोई टाइम नहीं लग सकता, और एक बहुत वर्टिकल रैली शॉर्ट कवरिंग की वजह से देखने को मिल सकती है। तो अभी के लिए मैं मानता हूं 13,350 ये के इर्द गिर्द क्लोजर होनी चाहिए, पर अगर 400 निकल जाता है तो 450-500 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। और निफ्टी बैंक पे सर? बैंक निफ्टी में भी लगभग जो आपने कहा पोल में वही रुझान देखने को मिल रहा है। इधर 29,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर इसके ऊपर चलते हैं तो 29,200 तक जाने की प्रोबेबिलिटी है, पर मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी ज्यादा आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगा, निफ्टी में काफी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। किरण जी, आज SBI देखें चाहे यस बैंक देखें, दोनों ही स्टॉक का, इनफैक्ट इसमें आप चाहे तो कोटक महिंद्रा बैंक को भी जोड़ लीजिए, तीनों ही स्टॉक्स बैंकिंग स्टॉक हैं और बहुत एक्टिव हैं। खबर ये निकल के सामने आई थी कि शायद SBI कंसोर्शियम के जरिए यस बैंक में निवेश कर सकता है, कुछ हिस्सेदारी ले सकता है, सरकार शायद इनका जो प्लान है उसको मंजूरी दे सकती है, और देखिए उसका इम्पैक्ट यस बैंक के स्टॉक में, देखिए जबरदस्त रैली स्टॉक में देखने को मिली है। तो उस लिहाज से SBI, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, तीनों के चार्ट देखिए बताइए सर, ज्यादा क्या अच्छा लग रहा है आपको? देखो SBI में मेरा मानना है कि काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल रही है, और जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है वो मुझे लगता है कि काफी स्ट्रांग है। जब न्यूज आई यस बैंक के बारे में, तब मेरा मानना है कि एक बहुत बड़ी शॉर्ट रैली आ गई और उसके चलते एक SBI में एक रैली देखने को मिल रही है। दूसरा, अगर यस बैंक में बात करें तो यस बैंक में अंडर करंट काफी स्ट्रांग है, तो इधर भी मुझे लगता है कि थोड़ी और बढ़त देखने को मिलेगी। कोटक बैंक, ये तो पहले से ही एक अच्छा काउंटर देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि कोटक जिस तरीके से मूव हो रहा है, इधर भी मुझे लगता है थोड़ी और बढ़त देखने को मिलेगी। कोटक में आपका स्टॉप लॉस करीबन 1650 के नीचे रहेगा, और मैं मानता हूँ कोटक में प्रोबेबिलिटी है कि हम 1700 के और चलते नजर आएंगे, अंडर करंट काफी स्ट्रांग है। SBI के टारगेट्स मैंने नहीं दिए थे, तो SBI में मेरा मानना है कि 295-300 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, तो वो पार करते ही इसमें स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। तो 295 को बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है SBI की जहां तक बात है, इस पे आपको ध्यान रखना होगा, और 1650 के स्टॉप लॉस के साथ कोटक महिंद्रा बैंक में आप बने रहिए, 1700 तक की जो चाल है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है कोटक महिंद्रा बैंक की जहां तक बात है। इनफैक्ट आज किरण जी जो मोमेंटम है वो इनफैक्ट बैंकिंग स्टॉक्स में है, और खासतौर पर PSU बैंक, जिसमें आप OBC देखिए, सिंडिकेट बैंक देखिए, यूनियन बैंक देखिए, अलाहाबाद बैंक देखिए, ये जो कल कैबिनेट की ओर से मर्जर को जो प्रस्ताव को जो मंजूरी दी गई है, उसका इम्पैक्ट कई सारे PSU बैंक्स में देखने को मिल रहा है। अगर आप कोई स्टॉक ट्रैक करते हो सर, यूनियन बैंक, अलाहाबाद बैंक, OBC या सिंडिकेट में से कोई अच्छा लग रहा हो आपको? जो सबसे बढ़िया काउंटर है वो है ओरिएंटल बैंक। मेरा मानना है कि ओरिएंटल बैंक में ध्यान रखना चाहिए, 44 पे स्टॉप लॉस रहेगा, अभी 45-75 यानी बहुत नजदीक वाला स्टॉप लॉस है, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं कि 1 से 2 दिनों में आपको 50 लेवल क्रॉस करते नजर आएंगे, 50 से लेके 55 ये टारगेट्स है, इसके लिए बिल्कुल खरीदी करने की सलाह है। ओके, तो OBC सबसे बेटर है जहां तक PSU बैंकों की बात है, लेकिन इस बीच कुछ फार्मा स्टॉक्स भी आज एक्टिव है, जिसमें एलेम्बिक फार्मा है, इनकी एक दवा है डॉक्सीसिलिन हाइसलेट, जिसको USFDA से मंजूरी मिली है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल होता है, तो ये स्टॉक आज देखिए करीब 10 रुपए के आसपास ही गिरावट दिखा रहा है। एलेम्बिक फार्मा में क्या राय होगी किरण जी आपकी? एलेम्बिक फार्मा में मेरा मानना है कि जिस तरीके से ये स्टॉक ट्रेड करता नजर आ रहा है,
एक सीमित दायरे में कामकाज हो रहा है। करीबन 620 में अच्छा सपोर्ट है, 660 670 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ये एक बार निकल जाए तो वापस एक बार इस स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिलेगा। आपका अगर पोजीशंस है इसमें तो 600 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस बने रखें। इधर से मेरा मानना है कि आपको अगर आप 3 महीने 6 महीने का व्यू देते हैं, वैसे भी फार्मा कंपनीज में काफी अच्छी अंडरकरंट देखने को मिल रही है, ये 750 780 के टारगेट्स आपको दिलाता नजर आएगा। लेकिन आज कुछ वायदा बाजार के स्टॉक्स देखेंगे तो उसमें जुबिलेंट फूड वर्क्स, उसमें वी मार्ट, पिडिलाइट जैसे जो कंजम्पशन वाले प्लेस हैं वो आज फिर से एक्टिव होते हुए दिखे हैं। तो पहले सर जुबिलेंट फूड वर्क्स पे अपनी राय बताइए, जो आज 4-4.5% के आसपास ही गेंस बने हैं, क्या उसके बाद और अपसाइड की गुंजाइश है इसमें? मेरा मानना है कि जुबिलेंट फूड वर्क में अभी तेजी करने जैसा नहीं है, क्योंकि हमने 100 रुपए की लगभग उसके ऊपर ही कल के लोज से हमने रैली देखने को मिली, तो वर्टिकल रैली के बाद मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेट होना चाहिए। पर अगर मीडियम टर्म आउटलुक रखते हैं कोई, तो मेरा मानना है 650 के आसपास इसका बेस बन चुका है, ऐसा मानना होगा। अभी के लिए मुझे लगता है कि अगर आप शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा इधर टाइम स्पेंड करना चाहिए करंट लेवल से 1700 से 1750 के बीच में, और फिर इसमें नेक्स्ट ब्रेकआउट आएगा तो एक अच्छी मूव मिलता नजर आएगा। कंजम्पशन थीम में मुझे जो अच्छा लग रहा है अभी वो है बाटा। बाटा मेरा मानना है कि इंटरनल चार्ट पैटर्न पे इसने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आरली चार्ट पे किया है, उसके चलते मेरा मानना है कि बाटा में छोटे से रिस्क लेके बाय करके चलना चाहिए। वैसे भी इसने 1875 से लेके 1550 एक वर्टिकल फॉल दिया है, उसका पुल बैक रैली तो बनती है, तो मेरा मानना है कि छोटा सा रिस्क लेके 1600 पे ट्रेड कर रहा है, 1580 20 रुपए का रिस्क लेके बाय करके चलना चाहिए। मेरा मानना है कि आपको अगर 2 दिन देते हैं तो 1660 1680 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। किरण जी, अगर आप दोनों के चार्ट्स देख पाए, कोई स्टॉक आपको चार्ट्स में अच्छा नजर आ रहा हो, 3M इंडिया या फिर हनीवेल ऑटोमेशन? मैं 3M इंडिया में दाव लगाना चाहूंगा, और अभी 50% और 50% 25,500 के ऊपर। अगर हम वीकली चार्ट देखते हैं और 25,500 की लेवल देखते हैं, तो अगर हम सारे टॉप्स ज्वाइन करते हैं लॉन्ग टर्म चार्ट्स, तो उसमें एक पेनेंट पैटर्न का ब्रेकआउट कहलाएगा। तो मेरा मानना है कि ये एक ऑर्डर बहुत बड़ी है, और लंबे तौर पे अगर देखा जाए तो काफी इस कंपनी को फायदा होता नजर आ जाना चाहिए। तो अभी 50% खरीदना है, मेरा स्टॉप लॉस 22,500 का रहेगा अभी 50%, और 25,000 के ऊपर 25,500 के ऊपर रिमेनिंग 50%। हनीवेल ऑटोमेशन की बारे में बात करें तो हनीवेल ऑटोमेशन में मेरा मानना है कि ये भी चार्ट पैटर्न काफी स्ट्रांग है। इधर काफी महंगा स्टॉक है, पर 30,000 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, छोटी सी क्वांटिटी खरीदे, पर इधर भी 42-43,000 के लेवल्स आपको 6 महीने के अंदर देखने को मिलेंगे। ओके, ये राय है दोनों स्टॉक्स के ऊपर जो मास्क बनाने वाली कंपनियां हैं। लेकिन किरण जी, आज फार्मा स्टॉक्स में बहुत एक्शन है, चाहे आप कैडिला, सिप्ला, लुपिन, डिवी स्लैब, ग्लेनमार्क फार्मा देखें, कई सारे स्टॉक्स हैं फार्मा स्पेस से जो कि आज एक्टिव हैं। क्या ये एक्सपायरी के चलते मूव है शॉर्ट कवरिंग का, क्योंकि बहुत सारी शॉर्ट पोजिशन इनमें बनी थी, या आपको लगता है कि कोई चार्ट पैटर्न ऐसा भी जो काफी मजबूत नजर आ रहा हो? नहीं, मुझे लगता है कि शॉर्ट पोजीशंस नहीं है, पर जो कि जो अच्छे कंपनीज है उसमें पैसा डाइवर्ट हो जाता है डीआईएस के तरफ से। तो मेरा मानना है कि जब बिकवाली आती है, अच्छे खासे स्टॉक्स जब नीचे आते हैं, तो वो पैसा कहाँ जाएगा? तो जो अच्छे बेसिक स्टॉक्स है जो कि गिरावट में नहीं ज्यादा नीचे आते, ऐसे स्टॉक्स में जाता है। तो मेरा मानना है कि सबसे पसंदीदा स्टॉक मेरा रहेगा डिवीज लैब, इधर भी बाय करने की सलाह है। 2150 मीडियम टर्म आउटलुक से खरीदी करें, आपको 2500 के लेवल्स अगले 3 से 6 महीने के अंदर देखने को मिल जाएंगे। किरण जी, आपकी ओर से दो ऐसे स्टॉक्स जो कि हम ट्रेड कर सकते हैं 1.5 घंटे के लिहाज से? आज थोड़ा सा परहेज रखना चाहिए अपने ट्रेड्स में, क्योंकि जो उठापटक देखने में मुझे वो बढ़ती नजर आ रही है, और उस लिहाज में मेरे को अगर कोई ट्रेड लेना है तो मैं SRF में शॉर्ट पोजीशंस लेने की सलाह दूंगा। ठीक है, SRF में मुझे लगता है कि जो हमने मार्केट में 2 दिन से 1.5 दिन से जो अपमूव देखा है, इसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया है, और जैसे थोड़े से नीचे आ रहे हैं तो SRF थोड़ा सा वीकनेस दिलाता नजर आ रहा है। आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 9350 पे, 9325-26 पे ट्रेड कर रहा है, और मेरे पहले टारगेट 3900 के रहेंगे और दूसरे 3860, तो काफी बड़ी डाउनसाइड देखने में मिल सकती है, पर इसमें आपको दाव लगाने की सलाह होगी। ये पहला स्टॉक रहेगा। दूसरा दूसरा रहेगा इक्विटास। इक्विटास में भी मुझे लगता है कि इधर से थोड़ी सी डाउनसाइड देखने को मिल जानी चाहिए, 102 रुपए पे ट्रेड कर रहा है,
104 पे स्टॉप लॉस रहेगा और मुझे लगता है कि 98 के लेवल्स टेस्ट हो जाने चाहिए, 100 से लेके 98।